हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से खबर में लेकर के आपके समक्ष आ चुका हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल एक रिजल्ट और घोषित कर दिया है। जी हाँ, पूर्ववर्ती सरकार की शासनकाल की भर्ती थी उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। हम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो सबसे पहले आपको राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से खबर प्राप्त हो सके। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। हम लोग यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे व्यू वॉल पे जाओगे आप, यहाँ से ये व्यू वॉल जैसे आप प्रेस करोगे आप यहाँ से देख सकते हो एक नई नोटिस। यहाँ से आप देख सकते हैं आयोग की विज्ञापन संख्या 13/5/2015 द्वारा निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तर प्रदेश कानपुर के नियंत्रणाधीन फार्मासिस्ट एलोपैथ के चयन परिणाम के संबंध में सूचना। अगर अब नोटिस इसको देख लिया जाए, यहाँ से नोटिस आपके समक्ष है, कल ये घोषित किया गया है 11 अक्टूबर को सूचना विज्ञप्ति। आयोग के विज्ञापन संख्या 13/5/2015 द्वारा निदेशक एलोपैथ राज्य कर्मचारी बीमा योजना श्रम चिकित्सा 78 रिक्त पदों के सापेक्ष आप देख सकते हैं अनारक्षित 64, अनुसूचित जाति 4, अनुसूचित जनजाति 1 और ओबीसी 9 के सापेक्ष साक्षात्कार के आधार पर चयनित कुल 78 अभ्यर्थियों में सभी जितने थे उतने उनका चयन हो चुका है। आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन परिणाम की संलग्न सूची पीडीएफ के अनुसार चयनित घोषित किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका आशुतोष मोहन अग्निहोत्री सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब यहाँ से अगर देख लिया जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं एलोपैथ नाम भी उनका दे दिया गया है। उन 78 छात्रों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, गणेश कुमार, विजय प्रताप राम, जितेंद्र नाथ शुक्ला, ब्रजेश कुमार शर्मा, शैलेंद्र कुमार शुक्ला, अमित शुक्ला, अरविंद कुमार, मोहम्मद ओबैस, सत्य प्रकाश तिवारी, दीपक गुप्ता, मोहम्मद सरफराज। तो इन सब लोगों का नाम जो है सूची में आ गया है। आप देख सकते हैं टोटल 78 छात्रों का नाम 78 पोस्टों के सापेक्ष यहाँ से आप देख सकते हैं। कटाप भी देखकर देखा जाए तो कटाप यहाँ से आप देख सकते हैं कटाप कितना गया था। अगर देख लिया जाए लंबवत आरक्षण में, तो लंबवत आरक्षण में आप देख सकते हैं अनारक्षित का मात्र 16 नंबर कटाप गया हुआ था और अनुसूचित जात का 15, बाकी सभी श्रेणियों का 15 कटाप गया हुआ था। अगर बात कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं क्षेत्रीय आरक्षण का क्या मामला है, तो विकलांग जन जो थे उनका जो है अंतिम चयन जो हुआ है वो 15 नंबर पे हुआ है और डेट ऑफ बर्थ जो आप देख सकते हैं 1987 जो है मैक्सिमम था। महिला का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभूतपूर्व सैनिक संघर्ष शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार इन श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित किए गए हैं, कोई अभ्यर्थी चयनित आहार नहीं पाया गया भूतपूर्व सैनिक। तो ये सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बड़ी खबर है। मित्रों आप देख सकते हैं पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की एक भर्ती और जो थी उसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। छोटी भर्ती थी लेकिन जरूरी थी, फाइनल सिलेक्शन है मित्रों। तो आप देख सकते हैं 78 छात्रों के नाम आपके समक्ष पीडीएफ रूप में आ चुका है। तो ठीक है, अगर खबर अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।